हम अभी तो भी यहाँ बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, थोड़ा देखते हैं डॉक्टर लोग आया नहीं है अभी। चलिए फिर दवा लेते हैं। पर सॉफ्ट है ना, छोटा सा है। अच्छा दो के लिए 7 पीसल का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे 9 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग थोड़ा लेट से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सुबह ना थोड़ा कभी कभी दर्द देने लगता है तो हिम्मत नहीं करता, टूट जाता है हिम्मत उठने के लिए। ऐसे बाबू को स्कूल भेज दिए, उनका चल रहा है एग्जाम, तो सुबह सुबह भेजने के बाद ना ये सारा काम हो गया था। लेकिन थोड़ा सा मेरा गैस पूछना सा काम रह गया था। वैसे नाश्ता तो सारा रेडी है बट खाए हुए नहीं है, तभी जा रहे हैं फटाफट से। पहले गैस की सफाई वफाई कर लेते हैं, उसके बाद बर्तन भी धो लेंगे। और हाँ दोस्तों, मुझे जाना है आज हॉस्पिटल भी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है बीच बीच में बीपी चेक करवाने के लिए। अब देखते हैं जाते हैं वहां तो क्या निकलता है। और साथ में इनको भी जाना है, कुछ एक जरूरी कागज वो भी मुझे बनवाना है, वो आपको ब्लॉग में मिल जाएगा देखने के लिए। कहते हैं ना बेबी आने से पहले बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में बहुत ही डर है तो कहीं ना कहीं खुशी भी है। क्या करें। हेलो दोस्तों, और हमको ना एकदम सर्दी हो गया है तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम भी ब्लॉग शुरू नहीं कर पाए सुबह सुबह। और डूबू साहब को किसी तरह से हम तैयार किए, उनके स्कूल भेज दिए, सोचे इसके बाद ही हम लोग जो है प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि घर में सिर्फ अभी पता है सबको, घर में हम लोग दो ही हैं और इनको भी तबीयत खराब होता है ना तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम अभी ऐसी हालत में हैं और ये मुझे संभालेंगे नहीं तो मुझे संभालने वाला कौन है यहाँ पे, आप सब जानते ही हैं। और ये तो मुझे मायके जाने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं कोई गाँव से शहर में आता है, आप शहर से गाँव जाइएगा, तो बस इसीलिए प्रॉब्लम है। बहुत जोर का सर्दी खांसी हो गया है। तो चलिए नाश्ता रेडी है, आप नाश्ता कर लीजिए, हम आते हैं बर्तन धो के फिर नहा धो कराते उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। बेबी को आने से पहले जो है कुछ ऐसे काम है जो हम लोग कर लेना है, नहीं तो फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे। हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो वो इधर उधर दौड़ने लगते हैं, डर लगता है कि पता ना कहीं चले जाए, इतना भीड़ रहता है। वो नहीं बोल रहा मैं, ये बेबी को आने से पहले काम काम जो है काम जरूरी है, पहले सारा इसके ऊपर अटका हुआ है ना सारा प्लान। हाँ ये हम बोल रहे हैं, चलिए कीजिए फिर, हमको तो खुद ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों रूबी तैयार हो गई है और ये अपना जो दिखाते थे ना अस्पताल में उसका रिपोर्ट ये सब ले रहे हैं। वो है ना बहुत इनको ही परेशानी हो रहा है तो बोल रहे हैं कि थोड़ा दिखवा लेंगे। दोस्तों बाहर का मौसम खराब है, लग रहा है कहीं बारिश हो सकता है। और सॉरी दोस्तों, कुछ हिस्से यहाँ का मौसम है भी बारिश हो भी सकता है चाहे नहीं भी, कहना मुश्किल है। अरे बहुत परेशान है, रोज का रोज ऐसे झेलना पड़ जा रहा है ना, और ज्यादा दिक्कत हो जा रहा है। ताल ले गुरु भी वहाँ पे। हाँ ले लियो दोस्तों, आ गए हम लोग हॉस्पिटल में, लिखवा लेते हैं। दूर तो हो गया ना आते आते ही, तो अभी जो भी यहाँ बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं, थोड़ा देखते हैं डॉक्टर लोग आया नहीं है अभी, आ जाएगा तो दिखवाएंगे। चलिए फिर दवा लेते हैं। दोस्तों अभी इनका जो है बीपी थोड़ा सा जो है ना कम बसी और ऐसे दिक्कत हो रहा है, और बोलिए भी थोड़ा समय है अभी इंतजार कर लीजिए। तो जिस तरह से वहाँ पर बोले हुए थे हम लोग प्राइवेट में, तो हम लोग को ज़्यादा दिक्कत था बीपी को लेकर, उनको दिक्कत हो रही थी बार बार ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग आ गए। अब देखते हैं कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं। वो है एक रहता है अभी, हाँ वो चल गया था, वो एक और रहता है मेडिकल में, पता ना भाई ये साइड हो चुका है। पानी तो आने लगा, हल्का हल्का टिपक रहा है पानी। हाँ यार वो दिया है, दवा देते हैं, थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा
तो ये लिया शायद जिससे सर्दी कंट्रोल हो जाए। और ये है सरकारी मेडिकल, मतलब यहाँ पर दवा अच्छा देते हैं। हम चलना था पहले हाँ रात को खाली खाना, तो अभी आ गए मॉल में और यहाँ पर रूबी को दिख रहा है कुछ तौलिया। तौलिया है बड़ा सॉफ्ट है ना, छोटा सा है। अच्छा दो के लिए नहीं तो लपेट सकते हो, हो जाएगा उनको लपेटने भर माथा मरे कमर भी लगा लपेट सकते हैं है? उनको हो जाएगा छोटा ना है तो ये तो बेटी तो नहीं है ना अब है ये है तो कहाँ लेंगे। सत्य सरकार चाइल्ड वा उतना छूटता नहीं, लेकिन कि गलता कम है और क्या, और ये ज्यादा गलता है सबसे सर। रूबी को क्या क्या पसंद आता है, इधर क्या मैगी और मैगी मसाला आपको लेना था बोल रहे थे ना। बिस्किट चाहिए, बहुत बड़ा साइज है ना, बरसात के लिए सही नहीं है, अभी मेहरा जाता है, घोटाला खत्म है पिसा हुआ ना, तो गोटा भी ले लीजिए थोड़ा इधर वो करना। रूबी अरे ये देखो थाली, बाबू को खाते हैं ना भुजिया रोटी गुड़ काका अच्छा, एक ही पीस ये है और हयो नहीं है, एक ही पीस बचा हुआ था। अब रूबी को ही पसंद आ रहा है अभी चम्मच ये सब रखने के लिए, और कैची है देखिए अच्छा है तो ले लीजिए वो। इनको तो बस आइटम दिखता है मॉल में आने के बाद, क्या करना है इसको हाँ ये कलर और सब ही अच्छा लग रहा है, सब्जी रखने के अच्छा है रूबी रख ली कहना तीन को है लेकिन इस टाइप में नहीं है, बारिश में एकदम भीगते भीगते जो हम लोग आए हैं, पानी खुल ही नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा के लिए हम लोग को भींगा दिया, और जहाँ रुके वो दुकान था और डूबू साहब को बस दिख गया सोया स्टिक चाहिए तो चाहिए, दुकान में रुके ना किराना दुकान में दिख गया तो खाने के लिए मन कर दिया, दौड़ गया फिर पानी आ गया। अरे पानी नहीं, पानी है, पानी गिर भी नहीं रहा है ना, हल्का सा गिर रहा है, भिंगा दे फिर खुल जा रहा है, गोर उठेंगे तब ना लगाएंगे ऊपर मचा है ना बेटा, हाँ खोल दे रहे हैं, खोल दे रहे हैं गोहा धो के, ऐसे नहीं खाएंगे हाँ दे रहे हैं गोहा धो के देंगे। दोस्तों हो गई है शाम, बारिश खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है, गाड़ी बस बाहर में इतनी भीग रहा है और सारा कपड़ा जो है ना ये देखिए भीगे के भीगे ही रह गए, सुबह के कपड़े हैं और सुबह भी उठा रहे हैं इसको,
पहले का कपड़ा जो है वो अभी सूखा हुआ नहीं है, इस बार कपड़ा पूरा गीला पड़ गया है। और अभी जो हम लोग फिर वहाँ से आए थे ना, तो गाड़ी बाहर ही है, उसको अंदर भी नहीं किए हुए थे, सोचे थे बारिश खुलेगा तो अंदर करेंगे, खुला ही नहीं। गाड़ी पर रख दीजिए इसको, गाड़ी अंदर कर देंगे ना तो फिर उसी पर गिरेगा, क्या करेंगे। जैसे ही शाम होती है ना तो यहाँ पर मच्छर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, काटना इधर शुरू कर देता है। अभी इस समय मच्छर का समय ज्यादा है, बिना बैक्सो ही सब का नहीं कर सकते हो। अभी देखते हैं अब शाम को रिव्यू का क्या खाना का प्लान है, कब बनाना है खाना में कुछ है कि भिंडी बना देंगे और रोटी। चलिए फिर इनको बनाना है अभी भिंडी का भुजिया। पिछला कपड़ा भी हम लोग का सूखा हुआ नहीं, पूरी तरह से अंदर पसारे हुए थे, सूख गया, नमी है ना दीवार में ना, हल्का हल्का सा सीपेज होना शुरू हो गया है, उसी की वजह से नमी पड़ जा रहा है। बरसात में बहुत दिक्कत होता है, कपड़ा नहीं सूखता है यहाँ पे। दोस्तों एकदम भिंडी ना ताजा है, ऐसा लग रहा है इसे कि थोड़ा सा बुढ़ा गया है, उसका है नहीं ना, नहीं, बड़ा बड़ा बीज का है तो बोले कि बुढ़ाया हुआ नहीं, ये जो बड़ा बड़ा है नहीं सारा भिंडी बना दे रहे, भुजिया बना दे रहे हैं। गलती की और अधिक किलो लेना चाहिए था ना, बड़ा अच्छा है तो हमेशा बेचने आती है, ले लेंगे बड़े में किलो के। अब कुछ रख दे रहे हैं सुबह के लिए, भुजिया हो जाएगा चाहे सब्जी बना लेंगे सुबह, इतना घूम के देख रहे हैं क्योंकि ये जो है ना बड़ा बड़ा ज्यादा बुढ़ा जाएगा सुबह तक छोड़ेंगे तो। और हमारे खेत में तो भिंडी फल नहीं रहा है, दो चार पांच निकल रहा है तो उससे क्या होगा, वो तो हम दूर कभी कभी आलू मिक्स को भून के दे देते हैं। मक्का खत्म होगा ना तब जाके हमारे घर भिंडी लहलहाएगा फरेगा। अब फ्रेश बीन भी दोस्तों बहुत कम हो गया, इतना कीड़ा हुआ लग रहा है कि परेशान। दोस्तों डोगू साहब को खाने के लिए भूल गया है, सोचाने है ना ये, अरे भुला गए इसका नंबर जी, चबोदरा है तो अभी वो लेके गए हैं प्लेट में खाने के लिए, गरम हो देखिएगा, गरम खाने में मुंह डाल देगी। ये बेड पे आ गए हैं तोड़कर और यहाँ से अभी खाए जा रहे हैं चबोदरा, कितना अच्छा लग रहा है ना, वाह का। दोस्तों ये देखिए यही है एलर्जी का दवा, बहुत महंगा है, 148 का है, और ये जो दवा है ना दिया है, बोला है कि आराम मिलेगा आपको, वो गिरफ्तार भी है नहीं, देखते थोड़ा सा खाते का अगर आराम मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर उपाय किया जाएगा। और ऐसे दोस्तों कहीं और को अगर प्रॉब्लम हो रहा हो ना एलर्जी, जैसे कि हमारे साथ सर्दी जो है रुक नहीं रहा, बार बार छिक सब हो रहा हो, अगर इसका कोई उपाय के पास होगा ना तो हमें कोई बार जरूर बता दीजिएगा, शायद इससे हमें कुछ सहायता मिल जाएगी। और एक काम बांध कर रखे इसलिए ना, शाम के समय जाते हवा लगता है तो इससे भी ज़्यादा छिचकी शुरू हो जाता है, इसलिए शाम और सुबह में हम ज़्यादातर बांध लेते हैं। एक बार पहले दवा खाया हुआ था मैं, लेकिन उसे आराम नहीं मिला था, जब तक तो दवा खाया तब तक आराम था, इसके बाद फिर वही प्रॉब्लम हो गया था। और छोटा है ना, यहाँ दिखवाते हैं इनको, हंस डॉक्टर से हम लोग मिलना था एक बार फिर से, क्योंकि तो बोले हुए थे ना इसके चलते, और हो गया कुछ दिन तक सोचा ऐसे दिखवा लेते हैं, बहुत दूर पड़ जाता है वो, तुमको ना कि ये मुझे नजदीक साइड में लगा था सरकारी में आ गया, और थोड़ा बीपी वगैरह चेक भी करा लिए हम, लेकिन वहां गए तो कोई डॉक्टर नहीं बैठे थे, बहुत दिक्कत हुआ और इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन हो गया। जो भी डॉक्टर ने बोला था कि आप हमसे 2-4 दिन में ना अपना बीपी चेक कराते रहिएगा, अगर लोकल कहीं होंगे तो दोस्तों। आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।